नमस्ते, मैं निमेश दासगुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए सुबह सुबह मोटिवेट है जाइए। देखिए, जिंदगी में भागदौड़ में अपने हर चुके हैं, आपके अंदर मेंटालिटी का जो पावर है वो खत्म हो चुका है। देखिए, सारे सक्सेसफुल लोगों को देखिए, उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल किया। वॉरेन बफेट से लेकर अमिताभ बच्चन तक, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बराक ओबामा तक, मुकेश अंबानी से लेकर जामशेद जी टाटा तक। आज बात करूंगा जामशेद जी टाटा के बारे में। जामशेद जी टाटा कौन? उन्होंने खुद की जिंदगी में, जब स्कूल में पढ़ते थे तब सपना देखा कि मैं ऐसा बनूंगा, अमीर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, काबिलियत बनूंगा। मतलब क्या, सक्सेसफुल बनने के लिए जामशेद जी टाटा के अंदर ना एक जुनून आ गया था, एक जज्बा आ गया था, उन्होंने फोकस्ड हो गया था, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है। उसके बाद क्या हुआ, जब जामशेद जी टाटा कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू की। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड बिजनेस करते करते उन्होंने 25 बिजनेस तक किया और उनका इतना घाटा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना लॉस हुआ उन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी, बैंकक्राफ्ट हो गया। उन्होंने खुद की घर को बेच दी, खुद की कार को बेच दी और बेचते बेचते इतना देवलिया, मतलब बैंकक्राफ्ट हो गया कि जिंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए ना जज्बा नहीं था, जिगर नहीं था। तब उन्होंने आत्मचिंतन की, उन्होंने कहा जब मैं 25 मतलब 25 लड़ाई हार चुका हूं, 25 बार मैंने 25 तक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया लेकिन मैं हार चुका हूं, तो क्या हुआ। एक कविता है ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन्होंने फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और इन्वेस्टर को ढूंढा और आइडिया को लगाया, फिर उन्होंने वापस खड़ा हुआ। धीरे 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 कर करके जामशेद जी टाटा ने उन्होंने सफलता हासिल की। आज जो पूरी इंडिया में और पूरी दुनिया में TATA टाटा ब्रांड खड़ा है, जामशेद जी टाटा ने, माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने प्रतिष्ठित किया। और आज पूरी लाखों करोड़ बिलियनरी ट्रांजेक्शन वही टाटा का नंबर वन ब्रांड इंडिया से और दुनिया से आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से क्या आता है, यही आता है कि आप चाहे स्टूडेंट होके, बिजनेसमैन होके, इंडिविजुअल होके, एग्जाम में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में कितने बार भी हार चुके हो, माय डियर फ्रेंड्स, उससे आपका हार नहीं है। नेवर गिव अप। अगर टाटा कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी जीत सकते हैं। अगर वो हार मान के भी जिंदगी में फिर से बाउंस करके और हासिल सक्सेस पाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए खुद के अंदर प्रोडक्टिविटी, नेवर गिव अप, मुझे जीतना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे कुछ करना है, ये चाहत करके टाटा कंपनी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो आप भी खुद को चार्ज करिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को पावरफुल कीजिए और जिंदगी में फिर से ट्राई करिए, क्योंकि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता उसको ही मिलता है जिसके अंदर सफल बनने की काबिलियत है। असफलता एक की है, सफलता उसका लॉक है। उस लॉक को ढूंढने के लिए, उस लॉक को ओपन करने के लिए आपको असफल बनना पड़ेगा, क्योंकि जिन आदमी ने इस दुनिया में सफलता हासिल की उन्होंने पहले विफलता, असफलता, फेलियर्स की समाधान को किया, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स में अंदर एक पॉसिबिलिटी है और जो पॉसिबिलिटी को ढूंढ लेगा वही सफल बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा संग ऐसा रंग, लोगों के नेगेटिविटी से कतई नहीं घबराए। जामशेद जी टाटा की तरह आप भी बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा स्टूडेंट, बड़ा आदमी बन सकता है। खुद को पहले इनपुट करिए, अपडेट करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। गुड मॉर्निंग, सब्सक्राइब करिए इसी चैनल को और बेल आइकन को हिट करिए। नमस्ते।